माईसेल्फ केसी मीना, लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको विषय 301 के अंदर जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर चैप्टर है उसके अंदर डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर टॉपिक को डिस्कस करूँगा आपके साथ में। तो सर्वप्रथम हम डिस्टॉर्शन को डिफाइन करते हैं कि डिस्टॉर्शन क्या होता है। ठीक, किसी भी एम्पलीफायर के अंदर हम फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन साइन वेव सिग्नल अप्लाई करते हैं और उसके आउटपुट में भी हमको यदि साइन वेव प्राप्त होता है, अगर आउटपुट और इनपुट की वेव फॉर्म्स में या वेव शेप्स में एग्जैक्ट समानता नहीं हो, इस स्थिति को कहते हैं डिस्टॉर्शन। दूसरे शब्दों में, यदि किसी एम्पलीफायर के आउटपुट वेव फॉर्म की वेव शेप इनपुट वेव फॉर्म की वेव शेप की एग्जैक्ट रिप्लिका ना हो तो उस स्थिति को कहते हैं कि एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन दे रहा है या आउटपुट में डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन के क्या प्रमुख कारण हैं? तो डिस्टॉर्शन के प्रमुख कारण ये हैं। पहला प्रमुख कारण है ड्यू टू इनकरेक्ट बायसिंग। जो बायसिंग करते हैं हम ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर के लिए, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो उसका ठीक तरीके से स्टेबल न होना या ठीक तरीके से प्रॉपर स्थान पर फिक्स न होना। ठीक है, दूसरा प्रमुख कारण है इसका, हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो बहुत लार्ज हो। और तीसरा प्रमुख कारण है व्हेन एम्पलीफिकेशन इज नॉट लीनियर ओवर एंटायर फ्रिक्वेंसी रेंज, मतलब एंटायर फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए जो एम्पलीफिकेशन है एम्पलीफायर के द्वारा वो लीनियर न हो। तो ये तीन प्रमुख कारण हैं आपके डिस्टॉर्शन पैदा होने के। अब बात आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन और लीनियर डिस्टॉर्शन। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को ही हम एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के नाम से भी पुकारते हैं। लीनियर डिस्टॉर्शन पुनः दो प्रकार में डिवाइड होता है, एक फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन, एक आपका फेज डिस्टॉर्शन। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं नॉन लीनियर या एम्पलीट्यूड या हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की। तो इसके पैदा होने के क्या कारण हैं? तो जब हमारा इनपुट जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं वो लार्ज हो और एम्पलीफायर हमारा इसकी करेक्टरिस्टिक्स के नॉन लीनियर पार्ट में ऑपरेट हो। क्या ये कब होता है? जब हमारा इनपुट सिग्नल लार्ज हो तथा एम्पलीफायर उसकी नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स के नॉन लीनियर पार्ट में ऑपरेट करें। इट मीन्स कि ड्यू टू इनकरेक्ट ऑफ बायसिंग क्यू पॉइंट का अपने निर्धारित स्थान पर स्टेबल न होना, ठीक है, और साथ में इनपुट का लार्ज होना, ये दो प्रमुख कारण हैं आपके नॉन लीनियर एम्पलीट्यूड या हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के। होता क्या है ये? बेसिकली हम जानते हैं कि यदि फॉर एग्जाम्पल हमारे इनपुट में F1 और F2 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, इस प्रकार ये कंपोजिट इनपुट सिग्नल है, हैं इसको हम किसी एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और यदि उसके आउटपुट में इनपुट के जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं उनके साथ साथ उनके मल्टीपल फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट भी मौजूद रहते हैं, अर्थात फॉर एग्जाम्पल जैसे इनपुट में हमारे F1 और F2 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, तो आउटपुट में यदि F1 और F2 फ्रिक्वेंसी के साथ साथ 2F1, 3F1, 4F1, 5F1 इस प्रकार और इसी प्रकार F2 के साथ में F2, 2F2, 3F2, 4F2 फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स भी यदि मौजूद रहते हों तो इस स्थिति को कहते हैं हम एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन या हार्मोनिक डिस्टॉर्शन या नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। जो एम्पलीफायर के इसकी नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स के नॉन लीनियर पार्ट में ऑपरेट करने के कारण ये डिस्टॉर्शन पैदा होता है, इसलिए इसको नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कहा जाता है। साथ ही जो 2F1, 3F1 या 2F2, 3F2 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? इनपुट में जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनके मल्टीपल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, तो इनको बोलते हैं हम हार्मोनिक्स। तो अगर आउटपुट में हमारे इनपुट की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ साथ इस प्रकार इसके हार्मोनिक्स भी उपलब्ध होते हैं तो इसको हम कहते हैं आपका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। दूसरा जो प्रमुख प्रकार है आपका लीनियर डिस्टॉर्शन। लीनियर डिस्टॉर्शन दो प्रकार का होता है आपका, फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन।
तो लीनियर डिस्टॉर्शन कब होता है, इसके क्या कारण हैं। तो लीनियर जब हमारा इनपुट स्मॉल हो और जो एम्पलीफायर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स के लीनियर रीजन में ही वर्क कर रहा हो। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी एक्टिव डिवाइस है, ट्रांजिस्टर है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स का फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होना, साथ ही जो सर्किट है उसके अंदर रिएक्टिव कंपोनेंट्स जैसे कि इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, कपलिंग कैपेसिटेंस और अन्य प्रकार के कैपेसिटेंसों का मौजूद होना, इसका प्रमुख कारण है लीनियर डिस्टॉर्शन का। ठीक है, तो लीनियर डिस्टॉर्शन बेसिकली किसके कारण होता है आपका, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स लाइक इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, कपलिंग कैपेसिटेंस एंड अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब इसके दो प्रकार हैं आपके, फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या होता है। फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन है कि व्हेन एम्पलीफिकेशन वेरीज विद फ्रिक्वेंसी मींस ऑल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वली एम्पलीफाइड। अर्थात दूसरे शब्दों में कि फॉर एग्जांपल हमारा जो इनपुट है मल्टीपल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट से मिलकर बना है, उसको अगर हम एम्पलीफाई में देते हैं तो यदि हमारा एम्पलीफायर इनपुट में मौजूद सभी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को इक्वली एम्पलीफाई नहीं करता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन। पुनः मैं दोहराता हूँ, यदि हमारा एम्पलीफायर इनपुट में मौजूद सभी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को इक्वली एम्पलीफाई नहीं करता है तो इस स्थिति को कहते हैं आपका फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन। इट मीन्स फ्रिक्वेंसी के अनुसार वो उन कंपोनेंट्स को एम्पलीफाई करता है। तो कारण इसका पुनः वही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स। दूसरा है आपका फेज डिस्टॉर्शन। फेज डिस्टॉर्शन किसको कहते हैं, इफ द फेज रिलेशन बिटवीन वेरियस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट इज डिफरेंट इन इनपुट एंड आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो है मौजूद होते हैं हमारे इनपुट के अंदर, उनके अंदर एक फिक्स फेज रिलेशन है, देन इस सिग्नल को हम एम्पलीफायर के इनपुट पर देते हैं और आउटपुट मिलते हैं। यदि आउटपुट में उन सभी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स के बीच में वही फेज रिलेशन न हो, इस स्थिति को कहते हैं आपका फेज डिस्टॉर्शन। इसको हम यूज भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी एम्पलीफायर को इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उसके आउटपुट से प्राप्त होने में कुछ डिले लगता है, या कह सकते हैं कि जो एम्पलीफायर है प्रत्येक फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में कुछ डिले इंट्रोड्यूस करता है। तो यदि हमारा जो एम्पलीफायर है वो सभी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को समान डिले इंट्रोड्यूस करेगा तब तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा, लेकिन यदि जो एम्पलीफायर है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को अलग अलग डिले इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, आउटपुट में विभिन्न फ्रिक्वेंसी कंपोनेंटों के बीच का जो फेज रिलेशन है वो नहीं होगा जो इनपुट सिग्नल में होता है। तो इस स्थिति को कहते हैं हम फेज डिस्टॉर्शन। इसी के साथ साथ मैं अब आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि किसी भी एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर। इनपुट रेजिस्टेंस मेजरमेंट का क्या तरीका है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड अपरेटस चाहिएंगे वो हैं आपके फंक्शन जनरेटर, CRO, एनालॉग या डिजिटल मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, पावर सप्लाई, CRO प्रोब और कनेक्टिंग लीड्स। ये सर्वप्रथम हम लेते हैं हमारा इनपुट मेजर इन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट या इनपुट इम्पीडेंस का मेजरमेंट, इसके लिए ये सर्किट है। सर्किट को देखकर हम इसका ब्यौरा इस प्रकार बताऊंगा मैं, ये आपका फंक्शन जनरेटर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसको कि सीरीज में लगा रहे हैं हम, ठीक है, इस बॉक्स को हमने एम्पलीफायर को इस बॉक्स के रूप में दिखाया है, आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल्स को हमने प्रॉब की सहायता से CRO के एक चैनल पर आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका फंक्शन जनरेटर है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंटल किट है उस पर एम्पलीफायर का सर्किट
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड में बना हुआ रहता है, उसमें पावर सप्लाई देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम सिंपली पावर कॉर्ड को सॉकेट के अंदर लगाते हैं और एम्पलीफायर सर्किट के लिए जो VCC सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट उसमें होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम फंक्शन जनरेटर पर साइन वेव एडजस्ट करेंगे उसके कंट्रोल से, और फ्रीक्वेंसी 1 और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग एक ही बार में लगभग 10 मिलीवोल्ट पीक टू पीक हम उसको एडजस्ट करेंगे। इसके पश्चात क्या करेंगे हम, इसके बाद में फंक्शन जनरेटर से जो साइन वेव है उसको CRO पर देखेंगे, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 1 kHz पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, 1 kHz पर एडजस्ट करेंगे और 10 mV पीक टू पीक वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज सेट करेंगे और उसको हम मल्टीमीटर से एक बार मीजर करके चेक कर लेंगे कि 10 वोल्ट। उसके बाद में उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे सर्किट में, ठीक है। इसके बाद में इन टर्मिनल्स के बीच में हम रेजिस्टेंस बॉक्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे और आपका दूसरा ग्राउंड सिरा यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका एम्पलीफायर किट है, आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में हमने CRO कनेक्ट कर दिया। अब सर्वप्रथम जो हमने फंक्शन जनरेटर में इनपुट वोल्टेज जो एडजस्ट किया 10 मिली वोल्ट पीक टू पीक, उसको हम यहाँ लिख लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आता हूँ। इसमें सीरियल नंबर है V1 वोल्ट विदाउट RS। विदाउट RS मतलब जब हमने जो फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट ही नहीं किया उससे पहले, या इसको हटाकर अपन यहाँ मीजर कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो V1 वोल्टेज विदाउट RS जो हमने एक बार एडजस्ट कर लिया आपका 10 मिली वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद में हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, अलग रेजिस्टेंस बॉक्स से अलग अलग रेजिस्टेंस के मान के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर्स की सहायता से वोल्टेज मीजर करते जाएंगे। V1 इन विद RS मतलब विद RS V1, वी इन का मान यहाँ, ठीक है। तो इस स्थिति में रेजिस्टेंस बॉक्स से अलग अलग रेजिस्टेंस के मान के लिए अलग अलग वी इन का मान नोट कर लेंगे। इस प्रकार अलग अलग रेजिस्टेंस के मान के साथ लगातार हम लगभग 10 रीडिंग नोट करेंगे। साथ ही हम आउटपुट इम्पिडेंस हर एक के लिए मेजर करते जाएंगे, जो कि इनपुट इम्पिडेंस का फार्मूला होगा आपका RS ये, देन वी इन ये अपॉन V1 माइनस वी इन। ठीक, इस फॉर्मूले से हम प्रत्येक के लिए, प्रत्येक एडजस्टमेंट के लिए इनपुट इम्पिडेंस का मान नोट करते जाएंगे। अब हम जब देखेंगे कि इसको धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, RS के जिस मान पर वी इन का मान V1 से आधा रह जाए, मैं पुनः बोलता हूँ आपको, RS के जिस मान पर वी इन का मान V1 के मान का हाफ रह जाए, वो मान इनपुट इम्पिडेंस का मान होगा। उस स्थिति में RS का मान जो है वो इनपुट इम्पिडेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस इस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मैं आउटपुट रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करता हूँ। तो आउटपुट रेजिस्टेंस मेजरमेंट में क्या है, अरेंजमेंट को आप एज इट इज़ बना रहने दीजिए, सिर्फ जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको एक की सहायता से आपके पैरेलल आउटपुट टर्मिनल्स के पैरेलल में अप्लाई कर दें, लगा देंगे, ठीक है। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे आपका, कि जो की है उसको ओपन करके यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मीजर करेंगे, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज मीजर करेंगे, उसको आप यहाँ अंकित कर देंगे, ठीक है। VO1 विद RL बराबर इन्फिनिटी एंड S इज ओपन, ठीक है। इस स्थिति में S ओपन रहेगा, RL का मान इन्फिनिटी रहेगा, तो उस स्थिति में ओपन सर्किटेड वोल्टेज या VO1 का मान हम नोट कर लेंगे या मल्टीमीटर की सहायता से मीजर कर लेंगे।
तत्पश्चात हम स्विच एस को क्लोज कर देंगे और आरएल के अलग अलग मान के लिए आउटपुट वोल्टेज मीजर करेंगे, उसको इस कॉलम में करेंगे। आरएल के अलग अलग मान के लिए आउटपुट वोल्टेज का मान यहाँ मीजर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम 10-15 रीडिंग ले लेंगे और उसके पश्चात प्रत्येक रीडिंग के लिए आउटपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आरएल का मान मल्टीप्लाइड बाई वीओ वन, जो कि फिक्स रहेगा एक ही बार, डिवाइडेड बाई दिस वन माइनस वन। तो इससे प्रत्येक आरएल के मान के लिए आउटपुट इम्पिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आरएल का मान वेरी करेंगे, तो जिस स्थिति में वीओ टू का मान वीओ वन का आधा रह जाए, उस स्थिति में आरएल का मान आउटपुट इम्पिडेंस के बराबर होगा। तो आरएल का मान हमें वेरी करते जाना है और वीओ टू का मान हमको नोट करते जाना है। जब ये देखेंगे कि वीओ टू का मान वीओ वन के मान का आधा रह गया, उस स्थिति में जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो आरएल का मान होगा वो आपके आउटपुट रेजिस्टेंस का मान होगा। रिजल्ट में हम लिख देंगे इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस। तो इस प्रकार मैं सम अप कर दूं आपको। सर्वप्रथम हमने टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन डिस्कस किया। टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन में मुख्य तौर पर दो प्रकार के डिस्टॉर्शन हो गए आपके, लीनियर डिस्टॉर्शन और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को हम एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने मेजरमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पलीफायर देखा। तो उसके अंदर हमने आपको अच्छे से ये बताया है, समझाने की कोशिश की है कि लेबोरेटरी में हम किसी एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर पाते हैं।